हेलो स्टूडेंट, जिस एग्जाम का आपको काफ़ी समय से इंतजार था उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज भोपाल के सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर में उसका नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड जो थी वही डेट बिल्कुल हुई, मई के आखिरी संडे को यानी 26 मई को एग्जाम है। और जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था, आपको याद होगा कि फरवरी एंड में डेट आएगी और बिल्कुल वैसे ही हुआ। देखिए आज 26 फेब है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम डेट है 26 मई 2019 और फॉर्म ओपनिंग होंगे 1 मार्च 2019 से, क्लोजिंग डेट है मार्च 31, 2019। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा क्योंकि जब पिछली बार भी नोटिफिकेशन आया था तो मैंने कुछ बातें बोली थी, उसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी। आपको कुछ एक चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक छोटी छोटी बातें समझिए। नंबर वन कि निम सेट की जो फॉर्म सबमिशन है वो ऑनलाइन होगा और उसके लिए आपको निम सेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, nimset.in, राइट, nimset.in पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी ये पेपर में डेट आई है, साइट पे भी बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, एग्जामिनेशन फी जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए 1100 है और ओपन और ओबीसी के लिए 2200 है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बता दूँ, निमसेट का जब फॉर्म फिल करेंगे तो कई बार फॉर्म फिलिंग में एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। ऐसे में आपको कुछ बेसिक बातें बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद फॉर्म फिल करें। दूसरा, जो स्टूडेंट भोपाल में आके एग्जाम सेंटर मतलब भोपाल में लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज के लिए आने वाले हैं उनको टेस्ट सेंटर कौन सा लेना है वो सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा। नंबर वन, आप में से कई लोग फाइनली अपेयरिंग होंगे और कुछ पास आउट होंगे। जो फाइनली अपेयरिंग है उनको फाइनली अपेयरिंग सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो पास आउट है उनको गैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। पर मैं सारी बातें आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी कोई एग्ज़ाम हम देते हैं तो उसके लिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद भी मैं बोलूँगा कि जो इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ऑफिशियल उसको बहुत अच्छे से रीड करें। कहाँ कहाँ बेसिक मिस्टेक होती है मैं बताता हूँ। इवन मार्क्स स्कीम तक में प्रॉब्लम होती है, आप जब देखेंगे कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे तो वो बोलते हैं 4R-W, ये है। पर रैंकिंग स्कीम कुछ और होती है, रैंक में कुछ और पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा क्योंकि मुझे पता है सेशन के बाद आपके ब्रेन में जो जो डाउट्स आने वाले हैं वो मैं सेशन में ही अगर एंड कर दूँ तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दूसरा, जो आपका अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो निम सेट के प्रोफार्मा के अनुसार लगेगा, वो प्रोफार्मा आपको चेक करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना होगा न्यू। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए निम सेट का जब फॉर्म भरे तो पहले पूरा खुद किसी और की बात ना सुन के पहले पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ें, फिर फॉर्म फिल करें और फॉर्म सबमिट करने से पहले उसे सेव कर दें, एटलीस्ट 1-3 टाइम उसको फिर से क्रॉस चेक करें और क्रॉस चेक कोई और नहीं करेगा, आप ही करेंगे, क्रॉस चेक करें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर बोल रहा हूँ, पिछले बार भी कई बच्चों ने कैटेगरीज में सर्टिफिकेट्स में बहुत मिस्टेक की थी, फिर परेशान होते हो आप ध्यान रखिए, फिर सर हम क्या करें ये पूछे गए थे क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर आपके किसी सीनियर्स ने दिया तो बताएंगे, कई सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं फिर वो पूछते हैं क्या करें, फिर NIT, इस बार NIT सूरत कल कंडक्ट कर रहा, लास्ट ईयर भी उसी ने कंडक्ट किया था, तो फिर NIT सूरत कल आप फोन लगाते हैं वहाँ पर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, कई बार कुछ बच्चों को इनफैक्ट लास्ट ईयर जाना भी पड़ा था सूरत का, तो वो सिचुएशन ना आए इसलिए समय रहते हुए कुछ चीज़ें समझनी है। 1 मार्च को ओपन होगा, यानी मैं आपको ये सेशन 26 को इसीलिए ले रहा हूँ कि इमीजिएटली जैसे ही नोटिफिकेशन आया, जबकि अभी साइट पे नहीं है पर जो भोपाल का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है दैनिक भास्कर उसमें नोटिफिकेशन है, यानी ऑफिशियल न्यूज ही है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप फॉर्म भरते समय केयरफुल रहें, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को रीड आउट करें, रूल्स रेगुलेशन अच्छे से पढ़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से देखें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें और फिल करने के बाद भी सबमिट बटन नहीं दबाना है। वंस सबमिट अगर आपने एक बार कर दिया तो करेक्शन नहीं होगा, पहले सेव करिए फिर क्रॉस चेक करिए और फिर उसके बाद सबमिट करिए। कुछ बेसिक डाउट्स जो रहते हैं वो एलिजिबिलिटी में आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है या तो BCA बच्चा दे सकता है या BSc कंप्यूटर ऑनर्स या BSc मैथ्स कोई भी दे सकता है, BCom और BA वाले बच्चे नहीं दे सकते। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें देखना, 12th मैथ्स कंपलसरी नहीं है, 10th 12th के परसेंटेज नहीं देखे जाते, कई सारी पुरानी वेबसाइट में आप देखोगे 10th 12th का 60% लिखा होगा क्योंकि पहले क्राइटेरिया था अब नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप एलिजिबिलिटी को कम से कम 4 टाइम रीड करें, मार्क करें, बल्कि मैं कहूंगा प्रिंट आउट निकाल लें उसके बाद ही फॉर्म फिल करें, बेटर ऑप्शन होगा जिससे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ध्यान दे दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आप अगर फाइनल ईयर में अपेयरेंगे, बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर अभी तो हम सेकेंड ईयर में तो हमारे 60% वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद रखिए
जो बच्चा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फाइनल ईयर अपेयरिंग है उसको फाइनल ईयर का परसेंटेज अभी नहीं बताना, उसको अपेयरिंग लिखना होता है। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या परसेंटेज है वो भी नहीं देखते, केवल जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके 60% एग्रीगेट देखे जाते हैं। लास्ट ईयर भी कई सारे बीटेक स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, उनको बीटेक वाले बच्चों को 6.5 पॉइंटर का स्केल देखना होता है। यानी ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, तो एक तो ये भरें। दूसरी बात, अब बात करता हूँ कि एग्जाम सेंटर कौन सा लें। तो देखिए, इसके एग्जाम सेंटर हर जगह नहीं होते। जहाँ पर NIT कॉलेज हैं, जैसे MP में भोपाल है, तो एक MP में पूरा एक MP में भोपाल ही सेंटर होगा, या दिल्ली सेंटर होगा, या नागपुर होगा, जहाँ पर NITs होते हैं, या रायपुर होगा। तो आप अपनी नियरेस्ट जो प्लेस है वहाँ पर एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। बट आप में से कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले और आने लगे हैं, तो ऐसे में मैं बोलूंगा कि आप एग्जाम सेंटर भोपाल लें। अगर आपको घर से निकलना ही है बाहर, तो भोपाल सेंटर लेंगे तो कम से कम आप लास्ट 1-2 वीक भोपाल में रह सकते हैं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ने एक बात और बोली थी कि सर हमारे एग्जाम टाइम उसी समय पढ़ रहे हैं, भोपाल नहीं आ सकते। मैं बोलूंगा उसको, उनको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भोपाल में टेस्ट हो रहे हैं वो सारे टेस्ट आपको ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। इस समय करीब करीब 10-12 वीकली टेस्ट आपको जो मिल रहे हैं, वो उसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ेगी और वो ऑनलाइन आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पर एग्जाम सेंटर बहुत ही प्लानिंग के साथ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो आप जिस सिटी में रहते हैं, अगर वो सिटी में ही एग्जाम सेंटर है, जैसे सपोज आप रायपुर में, नागपुर में तो है नहीं है, अब आपको बाहर निकलना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, कहाँ जाए, आइधर आप अपनी नियरेस्ट सिटी जाए और या फिर भोपाल आ जाए। जो भी करना है वो बहुत प्लानिंग के साथ करिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करो, उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म फिल करो, मतलब सबमिट करो बेसिकली। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये एक बार फिर से बता देता हूँ, एग्जामिनेशन डेट है 26 मई, ओपनिंग डेट है फॉर्म की 1 मार्च, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च। पूरा 1 मंथ मिलेगा, काफ़ी टाइम होता है। फाइनल अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए 60% नहीं बताना होता, उनको केवल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के परसेंटेज लिखना होता है। वो कम भी होंगे, 58 भी होंगे, तो भी आप एलिजिबल हो। फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे सकता, केवल फिफ्थ सेमेस्टर वाला ही स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है, जो फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में अपेयरिंग है या पास आउट है, नंबर वन। दूसरा, नंबर ऑफ ड्रॉप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1, 2, 3 ड्रॉप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, अगर आप फी देखें तो 1100 फॉर रिजर्व कैटेगरी, 2200 फॉर ओपन एंड OBC के लिए, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट है nimset.in, एग्जाम कंडक्ट कर रहा है NIT सूरत कल। अभी जो भी न्यूज और भी आएगी, मैं इस तरह का सेशन फिर लूंगा। मैं फिर बोलूंगा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कम से कम 2-3 टाइम पढ़ने के बाद, एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही फॉर्म फिल करें। मुझसे या किसी और से पूछने से अच्छा है कि आप खुद समझें। मुझसे कई बच्चों ने, अभी एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर वो हम लोग NIT दे सकते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ सर ने बोला कि जिनका 12th में 60% है वो नहीं दे सकते। तो मैंने उनसे यही बोला कि आपने खुद क्या न्यूज़ पढ़ी, बोले नहीं। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें खुद देखना चाहिए। आज स्मार्टफोन यूज़ करते हो, उसको स्मार्टली यूज़ करो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद चेक करो, उसके बाद ही आप उस फॉर्म को फिल करें। अब बात आती है मार्किंग स्कीम की, तो 4R-W, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 4R-W से ही मिलेंगे। 4R-W का मतलब क्या बता दूँ पहले, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 120, जिसमें 4 सेक्शन होंगे, 50 मैथ्स का, 40 लॉजिकल रीजनिंग का, 10 कंप्यूटर फंडामेंटल का और 20 इंग्लिश का। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन इनटू 4 मार्क्स इक्वल टू 480। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब मैं ये बोलता हूँ बच्चों को कि मैथ्स में पर क्वेश्चन 12 मार्क्स मिलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में पर मार्क क्वेश्चन 6 मार्क्स, कंप्यूटर में 8 मार्क्स, इंग्लिश में 4 मार्क्स, और 12 जब आप 50 करते हैं तो 600 का मैथ्स होता है, इंटू 40 करते हैं 240 का लॉजिकल रीजनिंग होता है, 80 का कंप्यूटर फंडामेंटल और 80 का ही इंग्लिश, और इसको ऐड करते हैं तो 1000। अब ये चीज़ आप जब देखेंगे मार्किंग स्कीम, तो ये मिलेगा। उसके थोड़ा नीचे जब जाएंगे 3-4 स्टेप, तो आपको रैंकिंग स्कीम समझ में आएगी। अब इस रैंकिंग स्कीम का क्या मतलब है, कि अगर सपोज मैं आपको बता दूं कि कैसे हम अपने स्कोर्स को हाई करते हैं, तो स्कोर को हाई करने के लिए मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स का हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। याद रखिए, हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग में -3 होगा, इसमें -1.5 होगा, इसमें -2 होगा और इसमें -1 होगा। अब मैं इसका एक प्रॉपर तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने मैथ्स में केवल 10 क्वेश्चन किए, लॉजिकल रीजनिंग में सपोज 20 ले लेते हैं, या 10 ले लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में सपोज 20 किए,
कंप्यूटर फंडामेंटल में मान लीजिए 5 किए हैं और इंग्लिश में भी 5 किए, अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये राइट है, रॉन्ग की कोई बात नहीं कर रहे, तो 30 and 10 40 राइट। अब उसके 40 इंटू जब आप 4 करेंगे तो उसके 160 मार्क्स होंगे। अब इसकी रैंक क्या होगी, वो रैंक ऐसे दिखा ली जाएगी, मैथ्स में इंटू 12 किया जाएगा यानी 120, LR में 6 किया जाएगा यानी 120, कंप्यूटर फंडामेंटल में 8 किया जाएगा यानी 40, इंग्लिश में 4 किया जाएगा यानी 20। और अब उसके नंबर देखेंगे तो 240 plus 40 80 300, यानी उसकी रैंक 300 पे जो बच्चे की रैंक होगी उसके हिसाब से रैंक दी जाएगी। तो अब आप सोचिए कि अब इसके आप उल्टा जरा चले, मैथ्स में सपोज आपने 30 क्वेश्चंस किए, LR में सपोज आपने 10 क्वेश्चन किए राइट, और कुछ किसी और सेक्शन में कुछ भी नहीं किया, पर मैथ्स में आपको मिलेंगे 12 मार्क्स यानी 360 एंड LR में 6 मिलेंगे यानी 60, कितना स्कोर हुआ 420। यानी एक मैथ्स के अटेम्प्ट बढ़ने से स्कोर रैंकिंग आपकी बहुत तेजी से चेंज होगी, और इनफैक्ट मैथ्स अगर जीरो हो तो आप एलिजिबल भी नहीं होते, यानी सबसे पूरा पैटर्न जो है वो मैथ्स के ऊपर बेस करता है। तो ये रैंक मार्किंग स्कीम है, ये रैंकिंग है, तो आपको रैंक के फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक डिसाइड होती है मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटर फंडामेंटल और इंग्लिश के नंबर ऑफ ऑर्डर से, और उसमें सबसे ऊपर है मैथ्स। तो आप में से किसी का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि इंग्लिश छोड़ दो तो भी 920 मार्क्स है, 600 मार्क्स पे एक टॉप कॉलेज मिलता है। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग से करिए, और सबसे अच्छी बात है कि आप इतने सारे स्टूडेंट आज ऑनलाइन से जुड़े हुए हो, आपको हर वो चीज़ मिल रही जो क्लास में मिली जाती। इनफैक्ट अभी अभी जो बायो वाले स्टूडेंट्स भी आए, उनका परफॉर्मेंस देख के बिल्कुल उन्होंने वो सारी चीज़ें वीडियो कोर्स से पढ़ी हैं जो पूरी पढ़ाई है, और हर चीज़ क्लियर है। तो बायो का स्टूडेंट भी एलिजिबल है, मैथ्स वाला भी है। तो जो लोग जिनको अभी भी डर लगता है मैथ्स से, मैं कहूँगा घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। तो आप सफिशियंट टाइम है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन पढ़िए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए। फिर से मैं इस सेशन को फिर से 3-4 डेज वाले लेने वाला हूँ। एग्जाम सेंटर बहुत केयरफुली पढ़िएगा, अगर आपको टेंशन है, अभी आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि हो सकता है आपका फाइनल ईयर का एग्जाम उसी समय हो, तो उस समय आप कैसे, क्योंकि संडे को ये एग्जाम होगा, पिछले बार भी ये हुआ था मंडे को, कई बच्चों का ग्रेजुएशन का एग्जाम था, तो सैटरडे को भी हो सकता है मंडे को भी हो सकता है, ऐसे में आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है, आपको एग्जाम की क्लियरिटी आ जाएगी। जब तक आप 20 मार्च के बाद फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फिल पहले करके रख लें, और बहुत ही केयरफुली आप उसको रीड करें, फिल करिए, एक एक डॉक्यूमेंट्स को देखिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। जो पास आउट हैं वो अपना डोमिसाइल, NOC, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कॉलेज से निकाल लें जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। तो आप बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए रेडी हो जाओ, JNU की डेट भी आने ही वाली है, अब लगभग सब एग्जाम्स की डेट आती जाएंगी। तो जो जो एग्जाम आप देने में इंटरेस्ट रखते हैं उन एग्जाम्स के फॉर्म फिल करिए, एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्स के फॉर्म फिल करिए, और अगर आप 60% के ऊपर हैं तो आप अपना टारगेट NIMCET 100% फोकस करिए, क्योंकि इसके जो प्लेसमेंट है अभी 35 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज है। ऐसे में बहुत अच्छा एक एग्जाम है, एक अच्छा ऑप्शन है IIT के थ्रू, आप जो बच्चा नहीं जा पाया उसके पास सेकेंड लूप लाइन है कि वो वापस NIT में जा सकता है थ्रू MCA। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।